नमस्कार दोस्तों, ये मैंने जो वीडियो बनाना स्टार्ट किया है इसका रीज़न ये है कि आने वाले समय में ये आपके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे जब पैनल आप चेंज करेंगे या मदरबोर्ड जब आप चेंज करेंगे, तो उसमें एक दूसरे की इंटरफेसिंग में ज़रूरत लगेगी इसके जो है कनेक्शन का, और ये बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना स्टार्ट किया है और इसी के साथ साथ 3-4 वीडियो और आएंगे जिसमें आपको काफ़ी डिटेल देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ काफ़ी तेज़ है, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा सा नहीं बना पा रहा हूँ ज़्यादा लॉन्ग टाइम, नहीं तो एक ही वीडियो में लॉन्ग वीडियो बना देते तो उसमें बहुत सारे डिटेल आपको देखने को मिल जाते। फिलहाल जो जो मुझे समझ में आ रहा है वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि कल मैंने बताया था कि एक 8-बिट का जो ये 2 चैनल और 8-बिट 30 पिन का, तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट था वो बिट था, यानी 8-बिट, क्योंकि ये 8-बिट के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये है क्या, इसका मतलब क्या है। तो मैंने उसको कल क्लियर किया है। क्लियर करने का जो मेरा रीज़न था, ये मेरा सेल्फ इसका जो क्लियर करने का रीज़न है, ये रीज़न ये है कि जब क्लियरिटी होगी तो इससे अधिक भी आपको पेयर मिलेंगे जिसमें मैचिंग करनी पड़ेगी और उस मैचिंग करने में काफ़ी ईजिली हो जाएगा, तो इसी आसान करने के लिए मैंने इसको क्लियर किया है। अब 8-बिट में कल मैंने इसमें जो हमारा 10 पेयर है, 10 पेयर में क्या है कि यहाँ पे जो हमने क्लॉक को अलग किया है, क्लॉक कहाँ पे है यहाँ पर देखेंगे, सी यानी लो वोल्टेज, यहाँ पर बी है और बी के बाद सी है, तो बी क्या है, बी चैनल है, जैसे ए चैनल और बी चैनल यानी दो है, तो जैसे 1 और 2 नंबर से शो किया जाता है ऐसे हमारा ए और बी से शो किया गया। तो ये क्या है, क्लॉक है, क्लॉक को हमने कैंसिल कर दिया। क्लॉक को कैंसिल करने के बाद यहाँ पे 4-4 बचेंगे, इसमें भी क्लॉक कैंसिल, इसमें भी क्लॉक कैंसिल। कैंसिल नहीं करना है, केवल 8-बिट को जानना है, क्योंकि ये जो बिट है ये सिर्फ कलर के से रिलेटेड ये चीज़ें हैं 8-बिट, और क्लॉक क्या है, क्लॉक टाइम से यानी स्कैन टाइम, लाइन की जो स्कैनिंग होती है वो टाइम क्लॉक पे डिपेंड करती है। बाकी जितने 4 हैं वो चारों जो है ये कलर के रेजोल्यूशन पे डिपेंड करते हैं, तो इसकी जो है डीपली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि इस समय 4K 8K पैनल भी आएंगे और उसमें एंड्रॉयड और नॉर्मल बोर्ड में जो लगाने का इस समय जो बहुत सारे नॉर्मल जैसे टीवी थे तो उसमें अभी लोग जो है ज़्यादातर ये एंड्रॉयड टीवी भी बनाने के लिए जो है अलग से मदरबोर्ड लगवा रहे हैं, तो उसमें भी ये कनेक्शन का प्रॉब्लम आएगा। अब उस कनेक्शन को सॉल्व करने के लिए एक और इजी तरीका आपको बताते हैं। जैसे इस टाइप के केबल होते हैं जिसमें आप इस केबल के हेल्प से, इस केबल के हेल्प से आप जो है इसको यानी एक दूसरे की इंटरफेसिंग करते हैं, लेकिन इसके बाद भी और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि हमको केबल सेम नहीं मिलता और अपने अनुसार डिज़ाइन करना होता है। तो उसके लिए बताते हैं कि जैसे इसमें देखिए केबल जो ये वाइट और ब्लू से बना हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि ब्लू जो है, ब्लू हमारा ये माइनस हो जाता है और वाइट हो जाता है प्लस। तो इसी तरीके से अगर आपके पास केबल नहीं मिले तो आप इस टाइप के दो वायर ले लें और ये हो जाएगा ब्लू और ये हो जाएगा रेड, आप कोई भी दो कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो यूज केबल में यूज किए जा रहे हैं वो ब्लू और वाइट यूज किए जाते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अगर आप अपने अनुसार अगर वायरिंग करना चाहते हैं तो ये ऐसे ले लें, और जैसे इसमें है ये पेयर बनाया गया है एक एक का ऐसे, और प्लस माइनस अलग किया गया है, तो इसी तरीके से आप सारे पेयर खुद आप एक एक पेयर को डिजाइन कर सकते हैं और ऐसे दोनों को प्लस माइनस करके ऐसे आप कोई भी दो कलर ब्लैक भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कनेक्शन के लिए आप इस तरीके से पेयर बना सकते हैं। पेयर बनाने के बाद यहाँ से एक के स्टार्ट करेंगे तो उससे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते जोड़ते चले जाइए, फिर इकट्ठा होने पे जैसे यहाँ पर इसके ऊपर टेपिंग किया गया है तो ऐसे आप जो है उसको टेप कर सकते हैं, और बीच में ग्राउंड जो है इसका ऊपर से कर सकते हैं। यानी अब कल की वीडियो में हमने बताया था इसका जो इंटरफेसिंग यानी इसको जोड़ने के लिए एक दूसरे का कनेक्टिंग करने के लिए, अब
यहाँ पे और जो बातें रह गई थी वो था, जैसे यहाँ पे दिया गया है 34 पिन यानी 10 बिट, तो ये हो गया हमारा 10 बिट, ये हो गया 8 बिट, ठीक है। अब बचता है 4 चैनल, जैसे यहाँ पे भी 2 चैनल है लेकिन यहाँ 4 चैनल का बात हुआ तो 4 चैनल ये हो गया। जैसे यहाँ पर देखें 12-12 पेयर यहाँ यूज़ किए गए हैं ये। अब जैसे इसमें 5-5 पेयर के जो है 2 चैनल यूज़ किए गए हैं, ऐसे यहाँ पे 6-6 पेयर के 2 चैनल यूज़ किए गए हैं। लेकिन यही जैसे इसमें हमने 4 चैनल की बात की है तो यहाँ पर देखें तो 2 चैनल ये हो गए, 2 चैनल ये हो गए, यानी 12 पेयर यहाँ पे, 12 पेयर यहाँ पे, जो कि पैनल के टिकॉन में इन हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो LBDS ये 4 चैनल 10 बिट 82 पिन का है, यानी यहाँ पे 82 पिन आपको देखने को मिलेगा पैनल में। और पैनल का नंबर यहाँ पर देखेंगे तो ये है LTA 400HF 60, ठीक है। ये रेजोल्यूशन यहाँ पे 1920x1080 है जो फुल HD है और 55 PPI का है, जिसकी फ्रिक्वेंसी है 120 हर्ट्स, ठीक है। तो ये 120 हर्ट्स का जो पैनल है इसका जो कलर रिस्पांस है ये बहुत ही बेटर होता है। अब यहाँ पर हमने जो ये दो 4 पेयर जो यहाँ पे माइनस कराया है, कैंसिल कराया है, इसके भी इफ़ेक्ट होते हैं। अब आपको पिक्चर में इफ़ेक्ट मिलेगा ये कि जो पहले वाला जो था इसके साथ मैचिंग था, ये एक्स्ट्रा जो इसमें निकला हुआ था मदरबोर्ड में और ये लगा था, उसका रिस्पांस कलर पे अलग था, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउन मिलेगा पिक्चर में, बहुत ही थोड़ा सा, वो उतना क्लियर नहीं जान मिलेगा। तो ये इफ़ेक्ट इसमें कलर की जो है प्योरिटी के लिए बहुत ही मस्त रिस्पांस होता है। और इसका जो ओनिडा TV है ये, इसका जो कलर रिस्पांस है ये बहुत ही बेहतर पिक्चर इस पर दिखाई देता है। ये है 40 इंच का। अब इसकी और डिटेल हम आगे बात करते हैं, जो कि काफ़ी कुछ नॉलेज आपको इस पैनल से रिलेटेड मिलेंगे। ये आज की वीडियो में तो बस इतना ही, लॉजिक बोर्ड और ये इसका जो इंटरफेसिंग है मदरबोर्ड का, इससे रिलेटेड था। अब इसके और डिटेल हम चलते हैं पैनल का, कि कोई भी पैनल हो पैनल के फंडामेंटल को समझना ज़रूरी है, तो इसलिए उसको समझने के लिए आपको डीपली उसके नॉलेज में जाना होगा। जैसे यहाँ पर देखें कोई भी पैनल का या डिस्प्ले का जो सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा जो एलिमेंट होता है वो होता है पिक्सल। कोई भी डिस्प्ले हो, कोई भी पैनल हो, यानी पैनल को ही डिस्प्ले बोलते हैं, जिस पे पिक्चर दिखे, इमेज दिखे, उसे डिस्प्ले बोलते हैं। तो उसका सबसे छोटा एलिमेंट होता है पिक्सल, और पिक्सल का सबसे छोटा एलिमेंट होता है कलर, ठीक है। कलर के डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें क्लियर मिलेंगी, जैसे कि 8 बिट को लेकर हम आगे और भी उस पर क्लियर करते हैं कि कैसे इसकी मैपिंग की जाती है और कैसे हमारा सॉफ्टवेयर जब चेंज होता है तो पिक्चर आना बंद हो जाता है, और कैसे कैसे इसकी जो है क्या सॉफ्टवेयर होता है और क्या मैचिंग कराना चाहिए और कैसे इसकी जो है कनेक्शन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आगे के वीडियो में करते रहेंगे। 2 से 3 वीडियो में आपको ये सारे क्लियर कर देंगे। हो सकता है कि एक ही वीडियो बना दें जो लॉन्ग टाइम का हो और उसमें आपको पैनल से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ सीक्रेट आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।